उपा जी मेरे तो बहुत एलर्जी सी हो रही है, आप एक काम करो मुझे डॉक्टर के साथ दवाई ला दो। डॉक्टर के देखिए दवाई दे रही, हम इतनी दवाई जाने, ऐसे ऐसे घास फूस हैं, अब उनको एक बार तो बात कर अगर दे तो एलर्जी पा भी ले ले तो इसे रगड़, और जो कहीं भी तो खुजाने फिर हमें बता दिए, और फिर मैं तेरी एक दवाई बढ़ा दूंगा तो गोले का तेल ही गंदा ठीक है, ले इसे रगड़। रगड़ रगड़ एक काम कर बेटा, संदूक पे 10 रुपए दे रहे, जाके नारियल का तेल ले आ, रही तक सी गंधक 80 दवा बना दूंगा, एनर्जी तो जन्म भर नहीं हो सक। बेटा जा ले के पैसे लिए जर, इतनी दवाई है इस घास फूस में, पर जो किसी को पता हो जी भी तो मेरे बापू को पता था, उन्हें सारी बताई दी थी मैं। ठीक है पप्पा जी मैं लेके आऊँ। हाँ जब तावड़ी आइए लेकर। राम कुमार है पूरा तनक हाँ बताओ। कट गया तेरा नियार, हाँ कट गया, आज मैं भी काटूंगी तेरे गंडासे पे, हमारा गंडासा खराब हो रहा। अरे रोज ही खराब रहे तमें तो किसी न किसी बात ने मारा काटना, बिल जा इसका बिल कितना बिल जा, एक दिन के में मर गया क्या बिल्कुल ही। ठीक ना काट लिए जा। है ला रही हूँ यार मैं। वह मैडम ले लियो तो सामान हमें भी ले लेना है। दे दिया भाई इस चिप्स उसे। सिमरन कौन हो मेरे बेटा? कुछ ना, मेरा एलर्जी सी हो रही थी, फूफा ने नारियल का तेल और गंधक लेने को भेजा, दवाई बनाएंगे फूफा। अच्छी तेरा फूफा दवाई भी जाना है? मेरा फूफा तो हर मरज की दवाई जाना है, जो उन सही मरज बता दिया ना उसी की दवाई बना दे फूफा। हाँ ए मारता दर्शन का दाद हो रहे, अब मैंने वैसी दवाई तो सब खूब खवा ली, और दाद ऐसी जगह हो रहे हैं जो मतलब डॉक्टर को दिखा नहीं सकता। चल तो मैं तेरे फूफा से पूछ दूंगी दवाई। जल्दी जाओ फूफा घर ही बैठे। ठीक अब तो मैं किसी काम से जा रही हूँ, पूछ लूंगी। ठीक है। फूफा बन गई दवाई? बल लग रहा है बन जा, तू एक काम कर ले बेटा, इतने कुछ और काम कर ले फिर ना गया दवाई लगा लिए। ठीक है। हाँ इतना मैं से बना चलो। राम कुमार है? हाँ मारा तो गंडा सा टूट क्या पिटा आज, मैं यार काटन नहीं आई। के को कट रहा है समय? दवाई बना रहा। दवाई बना रहा? दवाई बुझनी आई हूँ मैं भी, मारा दर्शन का बड़े दाद हो रहे हैं। दाद दाद की तो मैं ऐसी दवाई दे दूंगा जड़ तक हो दूंगा जड़, एक कब रोग की सुस्त दवाई दूंगा। दवाई दवाई तो मेरा बापू मुझे सारी बता गया। तो भले आदमी मुझे भी दे दे दवाई, मेरा मुंह आ रहा। मुंह मुंह की के दवाई हो, मुंह आवे पेट की कमी था तो 2 दिन अमरूद खा दे और निचोड़े के पत्ते चाप दे जो मुंह आ जाए मदद। अच्छे जी इतनी दवाई जाना है, तो तू वाले आदमी एक छोटी सी दुकान खोल ले है, कोई बाहर का ना होगा दवाई लेना तो गली मोहल्ले के तो दवाई तेल से ले ही ले करेंगे। ये भी तो मेरा मौका नहीं लग रहा, पर जिस दिन दुकान खोल लूंगा ना बड़ी खोल लू, और रही बात गली मोहल्ले की, लैन लग जाएगी मेरी दुकान। ठीक है दो चार को मैं भी बता दूंगी कि बढ़िया दवाई दे। पर मैं खुल लू निगाह में उधार की, मेरी पीछा नहीं देते, जो उनसी अंग्रेजी दवाई देने बोलो वही मैं याद दू, पर मैं तो नहीं दे पीछा। कोई बात नहीं तो दुकान खोल, गांव बस्ती के तो उधार पानी के सब आ जा पैसे, वो मुझे अब दाद की दवाई तो दे दर्शन की। बनाई नहीं पड़ेगी तो फिर पीछे ले जाइए। चल ठीक है तो। हाँ तो फिर पीछे तदिया जी लेगी। ठीक सिमरन ये ले बन गई तेरी दवाई। पंडित जी कहाँ चल दिया, मैं तो थाने में आया था। अच्छा लंबरदार बता क्यों।
अरे पन्ना जी, वो तेरा बापू एक कान में गेंद की दवाई दिया करे, एक बालक का कान चीज था उसके लिए आया था मैं। दवाई तो मिल जाएगी जी, पर दवाई बनानी पड़ेगी। बना दिया भाई पंडित जी, वही दवाई बना, ये जो तेरा बापू बनाया करा था। देखे एक बार जग्गू हुआ अस्पताल में जवाब दे दिया दिल्ली, उसी से ठीक हुआ था, उनने ठीक करा कान। बस सेवा राम पंडित जी की तो बात ही नहीं आ रही थी। उसे तो दवाई आप बतावती मजे दे मजे। हाँ अच्छी बना, वही मिलेगी। पर तू एक काम कर, 10-20 रुपये दे दे, सामान लेना पड़ेगा, दवाई बनाऊ। ठीक है, मैं भी दे दूंगा भाई। आप बात सुनिए कि मैं भी दे दूंगा। चल सिमरन, ये खोलिए कुआड। राम कुमार नहा रही होगी छोरी, आ जा बैठ जा। ले बैठ। क्या ले रहा है थल्ले से? मैं दवाई है, तूने बता। हो गया तेरा मुंह ठीक? हाँ मेरा तो ठीक हो गया मुंह। उसके हो गए छोरे के दांत ठीक? हाँ उसके भी हो गए दांत ठीक, पर मैं नू क्या हूँ? तू हंस खोदता फिरे जा, कह तू अपने साडू के दौरे लग जा कंपनी में। बोल ले ना दुकान जब दवाई ले आया तो। देख दवाई की दुकान की बात ही आया है, जो तो मुझे वैसे बात एक डॉक्टर ने कहता तू मेरे दौरे रह ले अस्पताल में, पर मैं तो यहाँ से बस नुई मकवाया छुरी के भी नू ना पहुँचता, और मैं किसी दिन काम में थोड़ी घनी दवा धरूंगी। और धारे ले तो दुकान की टेंशन न ले, दुकान तो तेरी मैं चलवा दूंगी। पप्पा जी आली ला आगे छुरी चलू मैं। अरे राम प्यारी, थोड़ा सा गोबर कम कर लेकर यू मेरे सिर पे भी उतरे। दर्शन, अरे दर्शन। हाँ बता क्या बात है? नू बता दे इसमें से हमारा भरोटा कौन सा, मैं लेके जाऊँ फिर। क्यों कान खान लग रही है मेरे, अपना भरोटा ठहर निकल यहाँ से। मैं तेरे कान खाने ना आई, तू नू बता जो तेरे दांत हो रहे थे वे ठीक हो गए? और तेरे दांत हो कहाँ रहे, नू तो बता दे मुझे। अरे मेरी माँ, तुझे किसने बता दी मेरे दांत हो रहे? तेरी मम्मी की दवाई मैंने ही तो बताई। जा निकल जा, कभी बनाऊ तुझे डॉक्टर नहीं, एक दिन दवाई तुझे ही लगानी पड़ जाएगी। बिल्कुल ही बेवकूफी है, अकल का बीज ही ना, मुझे ही बता रहा डॉक्टर नहीं। कहाँ फिरे जा तो इस मोटरसाइकिल को उठा कर, इस साइकिल को भी चलाने करता ना मन, इसमें ही तेल फूकता रहे, तेल खत्म हो जाएगा फिर क्या आएगा मम्मी इसमें तेल गिरवा। अरे मम्मी मैं कहीं ना गया, खेत पर गया हा। थम गए। दर्शन तुझे एक बात की पता, यू राम कुमार नाम हमारा पड़ोस से डॉक्टर की दुकान करने की कह रहा है यो। आवे भी इस पे कुछ है? आवे ये तो नू बता रहा था मेरे से, नू को मुझे तो दिल्ली बुला रहे हैं वो हॉस्पिटल वाले। हाँ दिल्ली? हाँ वो भी सर नहीं बता रहा था भैया मुझे। अरे बकवाद कर रहा होगा तुझसे वैसी खामी। हाँ अरे ये खोल लेगा जरूर, मान लेने। अरे मम्मी इनने 2-4 हज़ार रुपये जोड़ लिए होंगे, उन्हें ठंडे करवाकर जब बैठे गए, तुझे पता है इसके द्वारा कौन आ रहा। अरे उरे को सुनिए किसके कौन है बता रही हूँ, हमारी पड़ोस में दुकान खोली है डॉक्टर की, हिस्से दवाई ले लिया करो। अरे ताई मैं क्या बीमार हूँ, मुझे कहेगी दवा चाहिए। अरे बालों की ले ले, तेरी तो टाट पे बाल भी उड़ रहे हैं, ले ले जा। अरे ताई जीप चाहिए, जीप ले लेंगे। चल ठीक है, पर एक काम कर दिए, अपने मोहल्ले में बता दिए राम कुमार की दुकान खोली है डॉक्टर की, ठीक है जा। तेरी माँ बीमार हो रही थी, ठीक है अब? तो ठीक हो ली, काफी दिन हो गए ठीक हुए। अरे ना ठीक होता तू इस डॉक्टर से दवाई दिवा ले, बहुत बढ़िया दवाई दे। अरे ठीक को का दवाई दवाए चाची,
चलो ठीक है, देख लेंगे जब तुम कह रहे हैं तो बाद में। खासी है खास वेलकम बोल जा मीठी पिया करे फिर खास पेट भी दुख है। खास इसे तैरिए जीव गार्ड में देख कितनी लंबी जीव काट दिया, ये दांत साफ हो देता। कई दिन तेज क्या रखा था 15 दिन चाहिए राज आया तुझे नहीं क्या पता लगा तो तुम पढ़ रखी आज ही उसे बता दिया हमें तो उसे तो पता ही नहीं सर वो ढंडोरा तो वही पीठ सी दुकान पर फिर दुकान पर फिर चल आ जाए ये तो बताते रहे कि बीमारी मेरे तो कोई बीमारी नहीं कोई कटे बड़े किसी बात कर रहा मेरे यार तेरा भीतर ही भीतर बीमारी पड़ लग रही तू कह रहा बीमारी नहीं ना ऐसा चेक करना पड़ेगा खासी है बीमारी है 15 दिन की दवाई लिख रहा ठीक है ना दोनों आ जाइए और एक इंजेक्शन भी लगवा लो उन्हें कहूँ जब भी लगा दी अरे तू ही लगवा ले इंजेक्शन लगा इसको गुण गैस तेरे में तरत गा चुप रहो चुप रहो अरे इंजेक्शन पड़िया ये असली दवाई चढ़ी नहीं हो रहा तरत तुझे की दवाई थी चल तू एक काम कर यही ले जा ठीक है आधी आधी गोली देनी तड़की साल हाँ चले आप पीछे दिन दिन रोटी खाओगे ऐसे हमारे सुनो मैं सह थे 15 दिन में प्राप्त 15 दिन बाद जा दिए ना भाई उनके दे अगले दिन तो देते थे पीछे नहीं तो नहीं देता बेटा भाई तू कोई गए क्यों अच्छा उसे तू बता रही 15 दिन की उधार दे रहा यानी चैनल दे तू ले ले तू ये ले ले ठीक है पीछे ले का करो देखो ये कैसी दवाई दी है क्यों राज बालक क्या इस पे पेट में दर्द है और तेरा क्यों रहा मैंने से मेन तो कुछ नहीं तुझे वैसी दवाई दे दे हमें तो अंगा मारी दे दी दवाई और ये इंजेक्शन भी लगा दिया अरे ये पेट की दर्द की दवाई ना ये है खांसी की दवाई ये डॉक्टर पाक्टर कुछ ना इसे नहीं पता कुछ भी ले पकड़ ले डॉक्टर पाक्टर कुछ ना ये हुए झोला छाप डॉक्टर चल जा दर्शन आओ मम्मी देखिए कितनी भीड़ लग रही है इसकी दुकान में अम्मी चलेगी इसकी दुकान तक पुनु कह रहा था कहाँ चलेगी अरे मार मोर ना दे बेका दे देख ये 25 दिन की दवाई है एक तड़की एक संग गर्म पानी का तेरे नाम कुमार तेरे तो बढ़िया चल गई दुकान बजी मर उसके फायदे हो सब हो सबसे बता रही मारते जाते उसे अच्छा हाँ बढ़िया दवाई दे चलो और तुम बताओ मैनू कह रही
मुझे भी दवाई दे दो, मेरे घुटने से इनमें दर्द सा रहा है। घुटने में दर्द है? वो इंजेक्शन तो 40,000। तुम घुटने के दर्द को तो छोड़ दो। तुम मेरा बुखार चेक करो, मेरा बुखार नहीं निकलता। अच्छा बुखार है? बुखार तो तेरा पूरा होगा। तो इलाज तो होगा इसका कुछ पुराना? तो इलाज सारे में खांसी ना मेरा तो देखिए पता वही तो पता कहाँ से खांसी है तेरा पूरा ही बैठा अल्लाह क्यों लगे इसे क्यों लगाओ सांस खांस राम कुमार है तू इसे तो लगा ले कानों में, क्या चेक कर रहा? तुझे किसने डॉक्टर बना दिया? पता ना कैसा डॉक्टर है इसकी तो सारी बात नहीं है मेरे को। चल तो मुझे नहीं बता ये काय काय की दवाई धरो बैठा, तो मुझे इनके बारे में बता। दवाइया देख ये हल्की खांसी बुखार जुकाम कुछ भी चल रहा है। ये काय की है? यह है दर्द की, जाड़ का दर्द, कमर का दर्द, गोड्डे का दर्द, सब एकदम ठीक है। क्या किसी के कान में चीस मारती हो, खुमसी हो रही हो तो या गए ठीक है ना? वो तो देखे भी तो ठीक। किसी का खांसी खुशी हो रही है तो उसका मास्क लगा हुआ है अंदर ठीक। चलो ये है आयुर्वेदिक दवाई, कोई से रोग का दे दे सब में आराम करें। ये हाथ गंदे हाथ से नहीं ले ठीक है? ठीक है ठीक। चल ठीक है राम कुमार, मैं तो चलूंगा। चले तो हो जकम ते कहीं खांसी दुकान की तो लेती जा। बस मैं के ले अब बाद में देख लूंगी, मैं पैसे नहीं लाई अब। अरे चल कोई बात नहीं, और पीछे ले आकर नूरान बफरोश में डाक पैर बिना पीछे चले जाए। है इसकी तो छोरी भी पुड़िया बांध रही है, ये तो छोरी को भी डॉक्टर नहीं बनवाने लग रहा। देख ले तू फोन चलाने पड़ रहा हो, अपनी लोंडिया को भी डॉक्टर नहीं बनाने लग रहा हो, वो बांध रही पुड़िया। अरे मम्मी तुझे और कुछ काम ना है तो सावधानी नहीं देखे जा, ये किसी दिन थाने में पावांगे। अरे मैं नो कह रही हूँ, जब मैं इसकी दुकान में गई थी। अच्छा पता तुझे कहा था? पहले तो क्या ही मैंने मांगी, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। घुटनों के दर्द का बता रहा हूँ 40,000 का इंजेक्शन, फिर मैंने बहाना मारा बल्कि मुझे बुखार हो रहा, बुखार की दवाई दे दी। और बुखार की दवाई को ऑर्डर ले गया, मैं सारी दवाइयों के लेवल पढ़ गई। तू एक काम कर, वही वही दवाई हम ला कर धर लेंगे, इसकी खूब बढ़िया दुकान चल रही है, और दवाई दे रहा झाड़ा झाड़ी तो रोज के छाप ले 1,500 रुपया। देख के रहा मेरे मुँह की ओर को, अभी ना कोई इसकी दवाई से मरा। अरे कोई मर गा ना, इन पर पीछा छुटाना भी भारी हो जाए। अरे कोई ना मर रहा, तू मुझे वे दवाई ला दे जिसकी तुझे मैं बता रही हूँ। अरे मम्मी दवाई तो मैं ला दूंगा, लेकिन तजुर्बा भी होना बहुत जरूरी है। अरे तू दवाई ला दे, दवाई देते देते मुझे सब नॉलेज हो जाएगी। बुआ तुम्हारे पूरी बनाने की मशीन है की? ए बब्बो मारा तो ना पूरी बनाने की मशीन, और अब तो तेरा फुप्पा पर तेरे नोट छाप रहा, नहीं ले आओ ना। हाँ बुआ मशीन तो मेरे पुप्पा लावेंगे, पर उन्हें टाइम ना मिल रहा, दुकान पर बहुत भीड़ रहे हमारी। हाँ भीड़ तो रहे, पर सिमरन कितने कमा ले तेरे पुप्पा रोज के? कमाई कभी कभी तो 500, कभी 700, और कभी कभी तो 1,000 भी हो जा है। पर तू बता सिमरन तेरा पुप्पा दवाई कहाँ से लावे? दवाई मेरे पुप्पा नहर पे चलावे, वहाँ पे एक बहुत बड़ी दुकान है, वहाँ मंदी मिले वही चलावे। सिमरन तेरा पुप्पा दवाई बड़ी जाना है। पुप्पा जाना? पुप्पा को ना पता दवाई के बारे में कुछ भी?
उसके बापू ने ना एक रजिस्टर में सारी मरज का इलाज लिख रखा, मेरा फुप्पा तो उसमें पढ़ पढ़ के सबको दवाई दिए जा। सिमरन उस रजिस्टर से को मुझे भी दिखा ला के लिख रखा उसमें। बुआ रजिस्टर तो तुम उसे जब मर्जी ले लो, जब तुम क्या होगी जब ही ला दूंगी मैं, मेरे फूफा ने तो सारी रट रखी। चल ठीक है तू ला के दिखा मुझे। और तू क्या मांग रही थी? पूड़ी बनाने वाली मशीन। अच्छा अरे वो ढूंढनी पड़ेगी, है तो हमारे पता नहीं, चल मैं देखूं तू लेकर आ जाए इतने। ठीक है। क्या नाम है? जमीन। सांस ले लंबा। खांसी भी हो रही? खांसी है। तेरा ने काला पी लिया, सुई लगवा लेगा। दर्शन सुई तो लगवानी पड़ेगी। बाजू पकड़नी है इसकी, डर लग रहा है इसे सुई सा। ये तो डर है सजाया। ओए लगा हुआ जा बाबा बाबा तंगी बाबा। ऐसा डगवा रहे ऐसा डगवाई हो। जाऊं मैं अंदर? जब मैं यहाँ दवाई देख रहा तो तू ही रह कर, कुछ सीखना नहीं है क्या तुझे? इतने सारे मरीज बैठे ने, सब दवाई दिवा। ले दवाई, सुबह री सांझ एक गोली खानी है, तेरा ये पी लिया भी, और तू सकड़ सकड़ सी जो कर रहा है यूं भी तेरी सारी खत्म हो जाएगी। तो क्या पैसे हो गया? 100 रुपये हो गए। बैठो जी। हाँ जी, किसको दिक्कत है? डॉक्टर साहब इसके कान में परेशानी, कान चीज से है। वो डॉक्टर साहब से लेती दवाई आराम ना लगा, वो इन्ना मर्डर पीछे ले लिया उन्हें। तो ये जोड़े छाप से क्यों दवाई ले ली? वो कहाँ का डॉक्टर है? खोदता तो फिर जाता घास, अब बने बैठा हो डॉक्टर। वाह देखो दरअसल फोन के टॉर्च जला बेटा, इसका कान चेक कर। अरे मम्मी इसके कान में तो आर पार दिख रहा। जी हाँ, यानी के कान में पत्ता ही ना। प्रधान जी इसके कान में तो पत्ता ही ना, आर पार का दिख रहा। तो दोस्तों इसका इलाज करो। इलाज तो मैं इसका कर दूंगी, पर रुपया 18,000 लगेंगे। तुम्हारे तो कितने खोलिए पैसे, तब इलाज करो इसका। ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं यहाँ कर दूंगी इलाज, ना तो मैं टेक बहादुर में रेफर कर दूंगी। ना पंडित जी ने बहुत पैसे उतार लिया, तभी करो। अभी तुम 2-4 दिन ये दवाई डाल लो उसके कान में। अनु नहीं डालनी, सिरिंज से डालनी दवाई। 2-4 दिन डाल लो उस दवाई को, मैं फिर कान का पत्ता मंगा लूंगी, अठा के इसका ऑपरेशन कर दो। और तुम्हारे चश्मा कैसे चढ़ रहा? ये नजदीकी नजर डाउन है। नहीं नो, इतनी बढ़िया डॉक्टर नहीं होते भाई, भी तुम चश्मा लगाए बैठे। सारा ये चश्मा 2 दिन की दवाई तार देंगे। दवाई आंखों की भी दो। आंखों की देऊंगी तो मैं, पहले 100 रुपये आज के दो फीस के। इसका नाम है जी राज, वो देवराज। देवराज MD उषा शर्मा। मैंने पूछ रहा 2 दिन में ऑपरेशन पे चला गया, तुमने मेरा ही बोर्ड तार के लगा दिया। आंखों से देख ले तेरा बोर्ड कहाँ लग रहा, अब दिखाई ना दे रहा हो तो चश्मा लगा ले। डॉक्टर नहीं बन के बैठ, हल्दी की गांठ पागी थी एक बार मुझसे, वो पंसारी मैंने बैठे अपने आप। इसकी दद्दू की दवाई मैं दी, तेरे पेट की मैं दी, की है डॉक्टर नहीं हो, दवाई धर रखी है, दवाई दे रही है सबको, ठीक हो के जा रहे। ये मार देगी दवाई देने का पता किसे, मेरी समझ
अच्छा ही राम राम। मुझे दवाई इतनी बढ़िया दी, मेरी खांसी ठीक होगी। दो हफ्ते से ठीक नहीं होती खांसी। ठीक है ना सर? ये आप जाओ। ठीक है जाओ। सुन लिया, रोग तो मर जा कहीं। यहाँ मत टिके, अपनी दुकान में बढ़ जा। दुकान तो क्या चल रही मेरी? तू तो ना कहती मैं तेरी दुकान चलवाऊंगी। मैं भी बताऊंगी मेरी जीव, तू तो अपनी खोल के बैठगी। तो खोल लू ना अपनी, मैंने कहा तेरा ठेका था जन्म जिंदगी तक का, जब मैं तेरी दुकान चलवाऊंगी। तेरे गिराक भेजे तेरे दौरे मेरे दौरे आ रहे, तू तो दुकान बंद करके पता ना कहां फरार हो गया। मरीजों को तो दवाई देनी थी। फरार हो गया मैं? और के वो ऑपरेशन पे जा रहा था, फरार बता रही। घास काटनी तेरे पाती नहीं, ऑपरेशन कर देगा तू? छोड़ आएगा हजार पौजार किसी के पेट में। मेरे को पूछी थी तेरी दवाई, ये दवाई बताइएगी काय की? पेट दर्द की है यू? या हाँ चार दिन का काम हो गया। चलियो भी चौखा रहा, मैं तो एक ही मर्ज की बता दी, तन्ने मुझे चार मर्ज की बता दी, अब चार मर्ज में बता दे रहा हूँ लादर निंगे को। डॉक्टर उषा, यू 125 नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा है, कम से कम ये तो बदल लेती, और तो तेन कहीं छाप के बैठेगी, सजा भी हो जाए। कोई बात नहीं, जो दवाई मुझे नहीं पता वो तुमसे मैं पूछ लूंगी, और जो तुम्हें नहीं पता वो मेरे से पूछ कर चले गए। समान सेवा करनी है अपने, दोनों मिलकर कर लेंगे, टेंशन न ले। लाली क्या दिक्कत है तुझे? बैठ बेटा। मेरी दादी बहुत मोटी, उन्हें तुम पतली कर दो, मैं लेकर आऊंगी। तो लिया अपनी दादी को तू, उसे तो मैं एक महीने में पतली कर दूंगी। मोटो का पतलो का सब का इलाज है मेरे दौरे, लंगड़ो का लुल्लो का गंजो का सबकी दवाई रखूं। लिया। हुप्पा, के बात है, हमारी दुकान पे तो कोई ना आ रहा और इस बुआ की दुकान पे कुछ सब जाने लग रहे। अरे इन्हें मरीजों को पता तो है नहीं, इन्हें तो एक डॉक्टर नहीं है, बस सब वही जाओ लगे, क्यों इन्हें पता दवाई जानती नहीं, मेरे पता से बूझ बूझ के जाती डॉक्टर नहीं बुन के बैठी, हमारे ये किसी को दवाई देगा। तब तो बड़ी दिक्कत तो है, सबे तो जान मंदी दबो, वो नहीं देखते डॉक्टर बढ़िया घटिया, और ये पता कुछ है नहीं, हमारे पे तो एक दो बार दवाई ले जाओगे। ऊपर ये जा रहे मरीज दबो, इसकी ढक कोई जा रही है भाई। आजा आजा आजा, कहीं की लेते दवाई। इनने ऐसी कौन सी गुट्टे पिला दे जो हमारे मरीज भी इसकी दुकान पे जा रहे हैं? नहीं, मरीजों को ही नहीं पता, और डॉक्टर हम कितने बढ़िया, बस अपन वो तो औरत है, बस सब वहाँ बैठ नु माने लेडीज डॉक्टर सब तो बढ़िया हो, लग जाएगा पता, पर ये कर देंगे प्रॉपर को, और उसे उसे दर्शन को उसे बनाओगे MD, उसी से MD सर्जन लगा लिया वो भी लाइन पे। जी हाँ, वो लग रहा लाइन पे, क्योंकि अंकन का तो पता नहीं क्या, मैं हेनरी से सर्जन। हाँ जी, दिक्कत बताओ क्या है? अजी मैं सारे को आंटी आई, मेरा वजन नहीं करता, बहुत दवाई खा ली थी मन्ना। पेट का पाचन थारा ठीक तुम्हारा बढ़ा लीवर। अच्छा जी, भूख कैसी लगे? बस कौन सी लगे जी, नहीं जी सी आते ही पेट में बढ़ा लीवर की वजह से, दवाई दे दूँ एकदम ठीक हो जाओगी। दे दो जी। 15-20 रोटी खाओगी सारे दिन में, ऐसा पेट हो जाएगा बढ़िया। ठीक है, दे दो जी दवाई। लो दवाई थोड़ी कैड़ी है, दर्द कर रही होगी। हाँ लो, ये भूख लगने की दवाई है, सुबह शाम एक गोली खानी है, और 3 दिन बाद मुझे फिर दिखा दियो। अरे झोला छाप के वहां मत चली जाइए बिल्कुल भी, दवाई नहीं देता देन की। हाँ जाओ नेक्स्ट ना, उसके बना जाइए।
मरने कुछ ही कर रहा होता, चलिए मार से पहला तुझे ठीक है जी सर ना जाए। भाई साहब की मामला यही लेन लगा फिर दादा आराम तो ना होता मुझे। अच्छा के बीमारी है? बीमारी तो प्राइवेट है भाई। अच्छा हाँ प्राइवेट है, मनोरंजन सा हो जा टाइम सा कट जा। क्या बात है, यह बात लो लग रही है ना मनोरंजन दे दे। मुराजा तू ले ले तो भाई ना, ये दूर दूर लोग कहाँ यहीं चलेंगे, हम भी नया नगरी बहुत ही आ तो हम भी नहीं आए दूर तो ही आए। ये तेरे की मना से मेरे दिल में दर्द चलो बोला फिर तो ठीक है लगे वो फिर जा रहा है। मैं तो यहीं खड़ा चाचा वहीं हरकत ना कुछ यार मजे ही ले रहा है। ये चौकी ले रहा है बहन। एकदम खा जाऊंगे सारे लो। और बताओ तुम लग बढ़िया पीवानी कौन पीनी वाली तुम्हें ये चिल्लाया है, अब तो तुम हॉस्पिटल खोलोगे। तुम्हें कुछ पता भी है, डॉक्टर लोग आराम से ही खाते हैं। तू लग रही बंदरी की तरह खान, मुझे बता दे डॉक्टर लोग आराम से खा है। कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे तुम पैसा खा ले ना आराम से। अब चलो भी दुकान भी देखने हैं। सिमरन आ जा क्या देख रहे। के बात है दुकान बंद कर रखी। बुआ दुकान तो बंद होएगी जब पप्पा यहाँ टिकते ही ना, दिल्ली भाग गया हर वक्त। चल इसे मरन दे, एक काम कर तू और दर्शन चलाओ दुकान ठीक है। मैं मरीज चेक करूंगी और तुम दोनों अपना उनको दवाई देख रही हो पड़ पड़। बुआ दम कह तो रही हो, इसे कुछ आपे भी है तू सिखा दी और दोनों मिलकर हॉस्पिटल खोल लियो। यू हॉस्पिटल चला भी देगा? हॉस्पिटल कह रही है, हॉस्पिटल के साथ साथ तुझे भी चला दूंगा। ठीक है बुआ तो मैं चलूं, खाना बनाना मुझे जाके, फूफा आने वाला हो रहा। डॉक्टर साहब तुमने उसे कड़ू को कैसी दवाई दी हो तो लंबे लंबे सांस वीजा में रिपोर्ट करने के लिए फिर तारे पीछे लंबे लंबे सांस ले रहा। अरे मेरे हिस्से ने ले गए दवाई, कोई और से लाया होगा। मैंने आपको सोचना देख लियो, तो अपने आप सोच लियो जो तमा करना। और वो रिपोर्ट करने के लिए कह रहे एसपी के यहाँ जाएंगे। बल्ली डॉक्टर ने अब तो पाड़ दे इसे, ये पुलिस आएगी जब ही पाड़ेगी। ठीक है पाड़ ले और चल तू जल्दी से इसे घर में उतार। गेट बंद कर देंगे।